खवातीनों हज़रात, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से इन्फेक्शन से बचाव के तरीके आप तक पहुंचाए जा रहे हैं और हमने आपको टाइफाइड के बारे में बताया था। टाइफाइड के बारे में मज़ीद मालूमात आपको बताना चाहेंगे। टाइफाइड जिसे उर्फ आम में म्यादी बुखार भी कहते हैं, म्यादी बुखार इसलिए कहते हैं कि पहले ज़माने में ये ख़ास मुद्दत तक बुखार रहता था, उसके बाद जिस्म के अंदर इम्यूनिटी वगैरह पैदा होने के बाद और वो बीमार जो बुखार था वो ख़त्म हो जाता था एक ख़ास अरसे तक, तो इसको म्यादी बुखार इसलिए कहा जाता था। इसकी इब्तदाई अलामात फ्लू यानी नज़ला और वबाई जैसी ही होती हैं, यानी कि बुखार वगैरह इस किस्म का, ये सब अलामात होती हैं। मरीज़ सर में दर्द, थकान और भूख ना लगने की शिकायत कर सकता है। इसके अलावा सर्दी के साथ बुखार भी रहता है, लेकिन फ्लू के बरखिलाफ ये बुखार आम तौर पर तेज़ रहता है जो रोज़ाना बढ़ता जाता है। ये बुखार यानी कि फीवर 102 फारेनहाइट से 104 फारेनहाइट तक पहुंच जाता है। जरासीम का हमला यानी कि बैक्टीरिया का हमला कमज़ोर हो तो बुखार का सिलसिला अमूमन एक हफ्ते तक और ज़्यादा हो तो 8 हफ्तों तक जारी रहता है। इस बुखार यानी कि फीवर की एक ख़ास अलामत यह भी होती है कि तेज़ होने के बावजूद नफ्स की रफ्तार सुस्त रहती है, यानी कि जो पल्स है वो हल्की चलती है। आमतौर पर यह होता है कि जब भी किसी को बुखार या फीवर होता है तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और दिल की धड़कन तेज़ होने के साथ पल्स की भी रफ्तार तेज़ हो जाती है। नॉर्मल तौर पर जो दिल की धड़कन है 72 पर मिनट है, तो इसी तरह पल्स की रफ्तार भी 72 पर मिनट नॉर्मल होती है, मगर जब बुखार बढ़ता है, 1 डिग्री बुखार बढ़ता है तो तकरीबन 10 पल्स की रफ्तार बढ़ जाती है, 10 बढ़ जाती है, 1 डिग्री और ज़्यादा बढ़ता है तो मज़ीद 10 और बढ़ जाती है पल्स की रफ़्तार। तो इस तरह जैसे जैसे फीवर बढ़ता जाता है पल्स की रफ़्तार नॉर्मली बुखार में बढ़ जाती है, मगर टाइफाइड के बुखार में ये है कि पल्स की रफ़्तार नहीं बढ़ती, क्योंकि इसका एंडोटॉक्सिन जो है वो दिल के ऊपर असर करके उसकी रफ़्तार को कम करने की कोशिश करता है। तो ये ख़ास यानी कि पहचान है टाइफाइड की कि पल्स जो है ना कम होगी और फीवर के दौरान। मर्ज बढ़ने के साथ मरीज़ ज़्यादा बीमार और निडाल हो जाता है। दूसरे हफ्ते में उसके नाक से खून बहने का इम्कान भी पैदा हो जाता है। टाइफाइड के जरासीम चूँकि आँतों को नुकसान पहुँचाते हैं तो मरीज़ पेट में तकलीफ़ महसूस करता है और दौरान मर्ज इसे डायरिया की शिकायत यानी दस्तों की शिकायत भी हो सकती है। पहले हफ्ते के ख़त्म या दूसरे हफ्ते के इब्तदा में इसके सीने यानी चेस्ट और पेट में यानी कि एब्डोमेन के बालाई हिस्से में गुलाबी रंग के धब्बे नमूदार हो सकते हैं। टाइफाइड से मरीज़ का दिमाग और उसके आसाब भी मुतासर हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो सर में सख्त दर्द की शिकायत करता है और बहरानी कैफियत भी तारी हो सकती है। मुआयना करने से उसका जिगर और तिल्ली भी बढ़ी हुई हो सकती है, यानी कि लीवर भी बढ़ सकता है और स्प्लीन भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है जिगर और स्प्लीन के अंदर परवरिश पाते हैं। जब उसमें परवरिश पाते हैं तो उनके अंदर टिश्यू की तादाद ज़्यादा हो जाती है और उनका साइज़ बढ़ जाता है। तीसरे या चौथे हफ्ते में, थर्ड या फोर्थ वीक में बुखार धीरे धीरे कम होकर अलामात और धब्बे गायब हो जाते हैं। टाइफाइड के जरासीम की वजह से आँतों के लिम्फी रेशे यानी कि लिम्फेटिक टिश्यू फूल जाते हैं, यानी कि वो इनलार्ज हो जाते हैं। जैसे लीवर और स्प्लीन बढ़ जाते हैं, इसी तरह जो आँतों के अंदर लिम्फेटिक टिश्यू है वो भी यानी कि बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से आँतों के अंदर यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर अंदरूनी दीवार या हिस्से के खून की रगें जो हैं वो छिलने लगती हैं और इनसे खून रसने लगता है। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा खून बह निकलता है जिससे मरीज़ को सख्त नुकसान पहुंच सकता है। ये शिकायत आमतौर पर मर्ज़ के दूसरे हफ्ते में लाख होती है। मरीज़ के दर्जा हरारत और ब्लड प्रेशर में
या यकायक कमी वाक़ हो जाती है। आंतों को पहुंचने वाला सदमा गहरा हो तो आंतों के आखिरी सतह या पर तक जा पहुंचता है, जिससे बिलाखिर उसमें सुराख हो जाते हैं, और ये आमतौर पर तीसरे हफ्ते में होता है। ऐसी सूरत में मरीज़ के पेट में सख्त दर्द होता है और उसे दबाने से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इन जरासीम से जिस्म के दूसरे हिस्से यानी कि टिश्यूज़ बाफ्तें भी मुतासर होती हैं, जिसकी वजह से उनमें पीफदार यानी पस पैदा होने वाले ज़ख़म बन जाते हैं। यह भी इस मर्ज़ की बड़ी संगीन पेचीदगी होती है, जो उमूमन जिगर यानी कि लीवर, पित्ते यानी कि गाल ब्लेडर, जोड़ों यानी कि जॉइंट्स, दिमाग यानी कि ब्रेन और फेफड़ों यानी कि लंग्स में वाक़ होती हैं। साल्मोनेला टाइफी जरासीम पित्ते में दाखिल होकर यानी कि गाल ब्लेडर में दाखिल होकर बुखार के ख़त्म होने यानी फीवर के ख़त्म होने के बाद भी इसे छूत का अहम ज़रिया बने रहते हैं, यानी कि इन्फेक्शन फैलाने का ज़रिया बने रहते हैं। यूँ समझिए कि मरीज़ का गाल ब्लेडर जरासीम का एक रिजर्वायर यानी कि ज़खीरा बन जाता है, और रिजर्वायर बन जाता है वहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है ना आराम से पलते बढ़ते हैं, और ऐसे लोग इन जरासीमों को दूसरों में फैलाने का ज़रिया बने रहते हैं। ख़ास तौर पर जो लोग फूड इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, यानी खाने पीने की चीज़ों में या रेस्टोरेंट्स में या खाने पकाने के हवाले से जो भी यानी कि इंडस्ट्री के इंडस्ट्रीज़ हैं या जो भी तरीके हैं उनमें इन्वॉल्व हैं, अगर उनमें ये जरासीम मौजूद हो तो वो बहुत ज़्यादा तरीके से बहुत बड़े तरीके से बीमारी फैलाने का ज़रिया बनते हैं। इसी तरह घर में अगर ख़वातीन जैसे ख़वातीन जो हैं अगर इस मर्ज़ में बीमार हो जाएं और टाइफाइड में बीमार हो जाएं तो वो भी कम से कम जो जितने टाइफाइड के केस होते हैं उसमें 5-10% केसेस ऐसे होते हैं जो कैरियर बन जाते हैं। कैरियर बनने के बाद वो जरासीम खारिज करते रहते हैं जिसम फजले में, और जब ख़वातीन ऐसी ख़वातीन जिनको टाइफाइड हो चुका है वो टॉयलेट से बाहर आती हैं, उनके हाथों में काफ़ी तादाद में जरासीम यानी कि टाइफाइड के जरासीम मौजूद होते हैं, और अगर वो खाना पकाने में लग जाएं तो और बच्चों को हैंडल करें तो वो जरासीम आराम से उन बच्चों को और खाने के ज़रिए फैमिली के अफराद तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सही तरीके से पूरा इलाज किया जाए ताकि जरासीम की पूरी बेखनी और ख़त्म किया जा सके जिस्म से। इसके बाद ये देखा गया है कि आसाबी नुकसानात भी होते हैं और इसमें बहरापन भी काबिले ज़िक्र है, और इस बुखार की बहुत बाद में ज़ाहिर होने वाली पेचीदगियाँ भी होती हैं। टाइफाइड के हवाले से हम आपको मज़ीद मालूमात आपको फराहम करेंगे। इस वक्त यह है कि हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो कैरियर स्टेजेस हैं उनके ज़रिए जो है आमतौर पर जो बीमारियाँ फैलती हैं उनको रोकने के लिए भी टेस्ट किए जा सकते हैं और डायग्नोस किया जा सकता है, और उन कैरियर लोगों के यानी के फजले को टेस्ट किया जा सकता है कि उसमें साल्मोनेला के जरासीम तो नहीं आ रहे। तो जो भी अफराद ऐसे हों जिनको टाइफाइड का मर्ज़ हो चुका हो उनका फजला लेबॉर्ट्री में भेजा जाए और उनका स्टूल टेस्ट कराया जाए कि उसमें साल्मोनेला के जरासीम मौजूद तो नहीं है। अगर साल्मोनेला के जरासीम मौजूद हों तो फिर उनको एंटीबायोटिक का कोर्स देके वो जरासीमों को ख़त्म करना चाहिए। तो इस हवाले से हम आपको बताना चाहेंगे कि इन्फेक्शन कंट्रोल के बेसिक उसूल हर जगह पर लागू होते हैं, हर इंडस्ट्री में लागू होते हैं, हर घर में लागू होते हैं। अगर उनका ख्याल रखा जाएगा तो हम अपने आप को और अपने घर वालों को बीमारियों से बचा सकेंगे।